दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रिंकेज के बारे में कि श्रिंकेज क्या होता है और कैसे हमारे कंपोनेंट में दिखाई देता है, किन कारणों से दिखाई देता है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको इंजेक्शन मोल्डिंग, स्ट्यूजन या अदर प्लास्टिक से रिलेटेड किसी भी वीडियो, सब वीडियो इस पर मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रिंकेज, जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट का ये हमारा गुड प्रोडक्ट है। और ये कंपोनेंट हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार का। तो जो हमारा श्रिंकेज होगा कुछ इस प्रकार का, हमारा जो पीस होगा, जो हमारा कंपोनेंट निकलेगा, सिकुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार सिकुड़ जाएगा, प्रॉपर शेप में इस तरह से ना आकर के वो एक तरफ से सिकुड़ जाएगा या दोनों साइड से सिकुड़ जाएगा। इसी को हम श्रिंकेज बोलते हैं। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, कि वर्क पी जो हमारा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट है वो हमारा सिकुड़ जाता है, किसी साइड से भी सिकुड़ सकता है हमारा। तो किन किन कारणों से सिकुड़ता है और कैसे हम इसको दूर करते हैं, जो इसके बारे में जानेंगे। जो हमारा अगर हमारे लो कूलिंग है तब भी हमारा कंपोनेंट है सिकुड़ जाएगा, का श्रिंकेज आ जाएगी उसमें। अगर हमारा होल्डिंग टाइम कम है तब भी हमारा कंपोनेंट सिकुड़ जाएगा। अगर हमारा मेल्ट टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी हमारा जो कंपोनेंट है वो सिकुड़ जाएगा, जिससे हमारा जो कंपोनेंट है पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, अपने प्रॉपर शेप में नहीं आएगा। तो श्रिंकेज जो होता है, जो हमारा कंपोनेंट होता है उसमें डायमेंशन वेरिएशन होता है, जो प्रॉपर शेप में ना करके किसी भी साइड अपना वो डायमेंशन चेंज कर देता है, इसी को हम श्रिंकेज कहते हैं। श्रिंकेज हमारा जो जनरली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कंपोनेंट में आता है, इस प्रकार में जनरली देखा जाता है कि श्रिंकेज अगर कोई भी हमारा थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस देखा गया तो हमारा श्रिंकेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट में। चलिए शुरू करते हैं। श्रिंकेज पहले जानते हैं श्रिंकेज होता क्या है, किन्हीं कारणों से कंपोनेंट अपने शेप में ना होकर सिकुड़ जाता है। जिसे हम श्रिंकेज कहते हैं। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूर्ण रूप शेप अपने शेप में ना हो करके सिकुड़ जाना, मतलब किसी भी साइड से वो सिकुड़ जाता है, इन प्रॉपर कंडीशन को पा करके वो सिकुड़ जाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का कारण क्या है इसके बारे में जानते हैं। कांच जो पहला है, लो कूलिंग टाइम, अगर हमारा कूलिंग टाइम कम है तब भी हमारा जो हमारा कंपोनेंट है वो सिकुड़ जाएगा। दूसरा जो है लो होल्डिंग प्रेशर, लो होल्डिंग प्रेशर अगर हमारा होल्डिंग प्रेशर भी कम है, जिसे हम कंपोनेंट को पूर्ण रूप से अपने कैविटी को पूर्ण रूप से भरने के लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अपने स्क्रू को रोके रहते हैं, उसी को हम होल्डिंग टाइम, अगर हमारा उसका प्रेशर लो है तब भी हमारा जो कंपोनेंट होगा वो सिकुड़ जाएगा। लो इंजेक्शन प्रेशर, लो इंजेक्शन प्रेशर की वजह से भी हमारा जो कंपोनेंट है उसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम दिखाई देगी। जो चौथा है,
हाई मेल्ट टेम्परेचर, हाई मेल्ट टेम्परेचर होने के कारण भी जो हमारा कंपोनेंट है वो सिकुड़ जाएगा। अब इसमें कैसे हम कंपोनेंट को इस ट्रबल शूटिंग से बच सकते हैं, श्रिंकेज ना आए हमारे कंपोनेंट में, क्या क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसका ये कारण थे। इसके कारण को हमने जाना, लो कूलिंग टाइम, लो होल्डिंग प्रेशर, लो इंजेक्शन प्रेशर, हाई मेल्ट टेम्परेचर। अब इसके बारे में, इसकी ट्रबल शूटिंग मतलब इसके जो रेमेडीज हैं, जो कैसे सुधार कर सकते हैं इसमें हम, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे अगर हमारा लो कूलिंग टाइम है, लो कूलिंग टाइम की वजह से अगर हमारे कंपोनेंट में श्रिंकेज आ रहा है, तो हम कूलिंग टाइम को इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज कूलिंग टाइम, इंक्रीज कूलिंग टाइम। दूसरा है, अगर लो होल्डिंग प्रेशर है, होल्डिंग प्रेशर अगर हमारा कम है तो उसको हम बढ़ा देंगे, तो इसको भी हम इंक्रीज, इंक्रीज होल्डिंग प्रेशर। प्रेशर लो इंजेक्शन प्रेशर, अगर हमारा इंजेक्शन प्रेशर लो है तो उसको भी हम इंक्रीज ही करेंगे, इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर। और हाई मेल्ट टेम्परेचर, हाई मेल्ट टेम्परेचर है तो इसका कारण है कि हम इसको रिड्यूस करेंगे। अगर हमारे हाई मेल्ट टेम्परेचर के कारण हमारे कंपोनेंट में अगर श्रिंकेज दिखाई दे रहा है, तो हम जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, तो डिक्रीज मेल्ट टेम्परेचर, मेल्ट टेम्परेचर। ये था हमारा श्रिंकेज, जो 4 पॉइंट हमने जाने, जनरली जो हमारे कॉमन पॉइंट होते हैं, किन कारणों से हमारे कंपोनेंट में श्रिंकेज दिखाई देता है उनके बारे में हमने जाना, कॉज जाने, रिमडीज जाने, और श्रिंकेज क्या होता है इस वीडियो में हमने जाना।